हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो मैं अभी दीपक रिक्शा चालक जो है झारखंड का रहने वाले हूँ और जो पटना में भी रिक्शा लगभग 20 साल से चला रहे हैं, उसी के बारे में कुछ उससे जुड़ी बात बताएं और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी बताएं। एक जाति प्रथा पर भी बहुत बड़ा शगुन की बात है अभी भी। जैसे दीपक रिक्शा चालक जी की सिस्टर का शादी अभी लगभग 25-26 साल हो गया, अभी तक नहीं हुई, उसी के बारे में उससे जो। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो भारतीय बहुज्ञ संविधान शिल्पी सम्मान सुधारक और प्रथम एवं न्याय मंत्री थे, जिसका बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ, भारत में ही, और मध्य प्रदेश का राजधानी पड़ता है भोपाल, भोपाल का मध्य प्रदेश। और बाबा साहेब का निधन हुए थे 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। उम्र की बात की जाए तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तो 65 वर्ष हुए थे, कुल कितने वर्ष हुए थे 65। यदि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए, स्मारक कहाँ है तो नई दिल्ली भारत में है, और समाधि स्थल की बात की जाए तो चैत्य भूमि मुंबई में। और बाबा साहेब का जन्म का नाम था भीवा भीम और भीमराव अम्बेडकर और अन्य नाम से बाबा साहेब को जाने जाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और राजनीतिक दल की बात की जाए तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी थे बाबा जी के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो हे गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दीपक रिक्शा चालक जी के बारे में और मनीष कश्यप जी जो इंटरव्यू उससे जुड़े कुछ बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आप आगे मेरे वीडियो में बने रहें और यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।